हेलो फ्रेंड्स, आज जो अपन क्रैश कोर्स की जो पहली क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे नगर पालिका कार्य संचालन रूल 2009। देखिए, अपने सिलेबस में आपको सिलेबस खोल लेना है, उसमें जो पार्ट बी है उसमें मुख्य रूप से चार बातें लिखी गई हैं, जबकि मैं बोलता हूँ पांच बातें लिखी गई हैं। पहला लिखा गया नगर पालिका एक्ट 2009, उसके बाद में आठ योजनाएं लिखी गई हैं आपके, और उसके बाद में तीन रूल लिखे गए हैं, जिसमें 2009 रूल, 2009 रूल और 1974 का रूल, ये अपन डिस्कस करेंगे। अब साफ ये जो क्लास होगी ये मुश्किल से आधे घंटे 30-35 मिनट की होगी, उसमें अपन ये दो तीन नंबर जो एग्जाम में तीन या चार क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन पे डिस्कस करेंगे, और नगर पालिका कार्य संचालन नियम अपन डिस्कस करेंगे। इसका मतलब अपने सिलेबस में नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 ये डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में ये रूल डिस्कस करेंगे, उससे अगली क्लास में ये रूल डिस्कस करेंगे, तो तीन क्लासे इसमें हो जाएंगी। उसके बाद में लगभग 10 से 15 क्लास इसकी होंगी और दो क्लासे योजनाओं की होंगी। इसका मतलब पहली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता क्या है। क्योंकि आप लोगों को अब थोड़ा सा फास्ट भी चलना है और कंसंट्रेट भी करना है, एग्जाम में समय बहुत कम रहा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना कि नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 जो बनाए गए हैं ये क्यों बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि नगर पालिका में कार्य करने के लिए किस प्रकार से बैठक होंगी, बैठकों का आयोजन कैसे होगा, इन सब के लिए कुछ रूल बना दिए। और ये रूल आपको पता है कि इनका नाम दे दिया नगर पालिका कार्य संचालन रूल 2009। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब अगला स्वाभाविक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि इसमें रूल हैं कितने, तो इसमें टोटल रूल है उनकी संख्या है 22। इसका मतलब अपन को इस क्लास में टोटल 22 रूल डिस्कस करने हैं, 22 नियम है, इनका रट्टा मारना है कि इन रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें दो तीन बातें एडिशनली अपन को पढ़नी है, वो शायद हो सकता है अभी आपके समझ में नहीं आए पर मैं कोशिश करता हूं। देखिए, पहले तो आप लिखिए नगर पालिका में जो रूल है कार्य संचालन के नियम 2009 के, इसमें 22 नियम है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये नियम नगर पालिका कहां से शक्ति प्राप्त करके बनाएगी, तो इसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो बनाया गया है उसमें तीन धारा है, जिसपे अपन नगर पालिका रूल जब पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। उसमें एक धारा है धारा संख्या 51, एक 52 और एक 337। तो क्या याद रखेंगे, धारा 51, धारा 52 और धारा 337। पहला क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है, नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 कौन सी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए या कौन सी धाराओं का प्रयोग करते हुए बनाए गए, तो क्या रट्टा मारेंगे, 51, 52 और 337। अब पहला क्वेश्चन आपके स्वाभाविक ये आएगा कि 51 में क्या लिखा हुआ है, 52 में क्या लिखा हुआ है और 337 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, यहां पे लिखा हुआ नगर पालिका की बैठकें, नगर पालिका की बैठक, तो हेडिंग क्या लगाएंगे, नगर पालिका बैठक। बावन में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनके अधिकार क्या होंगे, और यहां पे लिखा हुआ कि नियम बनाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, नियम बनाए जा सकते हैं। तो कुल मिला के कार्य संचालन नियम में टोटल 22 नियम पड़ेंगे, 22 में जो रूल बनाए गए हैं वो इन तीनों रूल के आसपास घूमेंगे। अब आपने तीनों रूल अभी नहीं पढ़े हैं, तो अपन नगर पालिका रूल जब 2009 पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता है कि एक बड़ा पार्ट है, उसमें अपन इन तीनों रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे मैंने धारा 51 से लेके जब 60 तक जिसमें पढ़ाया है उसमें ये रूल डिस्कस भी किए हैं, ये रूल आगे वापस आगे अपन डिस्कस भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के इसमें अपन ये तीन बातें, तीन रूल है, इनका आधार लेके अपन पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे अगली आप नियम नंबर एक, टोटल कितने नियम पढ़ने हैं आपको पता है, 22 नियम टोटल पढ़ने हैं। उसमें पहला है नियम नंबर एक, नियम एक, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्ट बने, कोई भी रूल बने, कोई लॉ बने, तो उन सब में इतना जरूर ध्यान रखना कि जो पहली जो धारा होती है, पहली धारा वो बताती है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा और ये प्रारंभ कब से होंगे। तो इसकी हेडिंग क्या लिखनी है आपको, संक्षिप्त नाम व प्रारंभ, व प्रारंभ। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि
जो रूल अपन डिस्कस करने वाले हैं नगर पालिका कार्य संचालन रूल, ये तो अभी आप चाहे छोड़ दीजिए एक बार, टोटल नियम लिखो 22 है। इसमें ये लिखा हुआ है नियम नंबर एक में कि ये जो रूल बनाए गए इनका संक्षिप्त नाम क्या होगा और ये प्रारंभ कब से होंगे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब संक्षिप्त नाम तो आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है, इसका संक्षिप्त नाम होगा और इसका प्रारंभ 11/11/2009 से गजट में प्रकाशित हो गया, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब यहां पे अपन क्या लिखने वाले, यहां पे लिखने वाले संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नगर पालिका, लिखो कार्य संचालन नियम 2009, ये तो संक्षिप्त नाम हो गया। प्रारंभ कब से हुआ? 11/11/2009। इसका मतलब ये एक साहब 11/11/2009 को ये जो रूल है ये गजट में प्रकाशित हुए, ये वाली बात आपको यहां पे डिस्कस करनी है, ठीक है। इसका मतलब नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 जो बनाए गए हैं, ये इनका संक्षिप्त नाम क्या होगा, प्रारंभ कब से होगा, तो संक्षिप्त नाम तो ये होगा प्रारंभ 11/11/2009 से इनका हुआ है। प्रश्न क्या आ सकता है परीक्षा में, नगर पालिका कार्य संचालन नियम में कुल धाराओं की संख्या कितनी है, आप कहना सर 22 है। फिर क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि नगर पालिका कार्य संचालन जो रूल बनाए गए हैं कौन से नियमों का सहारा लेते हुए बनाए गए हैं, 51/52/337 इनकी डिटेल अपन चर्चा जब करेंगे जब नगर पालिका रूल पढ़ेंगे आगे। अब पहली धारा क्या बताती है, संक्षिप्त नाम क्या होगा, प्रारंभ कब से होगा, ये धारा नंबर एक बताती है। अब इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। अब लिखेंगे अपन नियम नंबर दो, टोटल 22 नियमों में अपन को पहुंचना है फटाफट। नियम दो हमेशा जब जितना अपन पढ़ने वाले हैं नगर पालिका रूल पढ़ने वाले हैं, 2009 रूल पढ़ेंगे, 1974 का रूल पढ़ेंगे, इन सब में जो दूसरी धारा होगी वो परिभाषा की होगी, तो दो में क्या दो देनी है, क्या देनी है, परिभाषा देनी है, तो ये परिभाषाओं से संबंधित होगा, परिभाषा क्लियर, ठीक। अब परिभाषाएं कितनी यहां पे लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या देनी है आपको, परिभाषा देनी है, और लगभग यहां पे 5 से 6 परिभाषा अपन को डिस्कस करनी है। पहली जो परिभाषा है वो बताती है, यहां पे लिखो परिभाषाएं, कितनी परिभाषाएं हैं, लगभग 6। पहली परिभाषा बताती है एक्ट क्या होता है, अधिनियम की परिभाषा। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि नगर पालिका कार्य संचालन नियम के अनुसार एक्ट की परिभाषा कहां पे लिखी गई है, धारा 2 में लिखी गई है। एक्ट की परिभाषा क्या होगी, तो इसमें लिखा हुआ है कि अधिनियम की परिभाषा का मतलब होता है नगर पालिका अधिनियम। बात समझ में आ गई? तो अधिनियम की परिभाषा क्या होगी, नगर पालिका एक्ट, ठीक, 2009। ये एक तो ये परिभाषा होगी, तो एक्ट क्या परिभाषा होगी, नगर पालिका एक्ट 2009। इसके बाद में दूसरी बात है बैठक के बारे में, बैठक, तो कहा गया कि बैठक की क्या परिभाषा है, तो क्वेश्चन पूछे तो बैठक की परिभाषा वही है जो धारा 51 में है, अभी आपको याद नहीं करनी है ना, यहां पे लिखी हुई है धारा 51, अपन पढ़ेंगे बात करेंगे, तो बैठक की परिभाषा कहां पे लिखी गई है, धारा 51 में। इसमें कहा गया कि बैठक की परिभाषा वही होगी जैसे आपने मूल अधिकार और नीति जैसे तत्व पढ़े होंगे, अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा है, 36 में ये लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो धारा अनुच्छेद 12 में लिखी गई है। इसका मतलब बैठक की परिभाषा वही होगी जो धारा 51 में लिखी गई है। इसके बाद में लिखा गया है साहब प्रस्ताव की परिभाषा, प्रस्ताव क्या होता है, मैं इंपोर्टेंट यहां पे लूंगा केवल प्रस्ताव की परिभाषा, प्रस्ताव, तो प्रस्ताव की क्या परिभाषा होगी, प्रस्ताव में क्या क्या शामिल होगा, तो इसमें कहा गया कि 3 चीजें शामिल होंगी, प्रस्ताव होगा, संकल्प होगा और संशोधन होगा। तो प्रस्ताव में कितनी बातें आएंगी, 3। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, बोले प्रस्ताव होता है, दूसरा तब संकल्प हो सकता है, तीसरा कोई संशोधन आए वो भी प्रस्ताव बोला जाएगा, संशोधन। क्वेश्चन क्या आएगा परीक्षा में, नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार प्रस्ताव में क्या क्या शामिल है, तो प्रस्ताव शामिल है, संकल्प शामिल है और संशोधन शामिल है, चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, तो इसका मतलब क्या होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद में जो अगली परिभाषा, अगले पेज पे लेते हैं, अगली परिभाषा है वो बताया गया नगर पालिका की क्या परिभाषा होगी, तो लिखो नगर पालिका। आप हमेशा ध्यान रखिए नगर पालिका जो है इसमें 3 चीजें शामिल की गई हैं,
पहले नगर पालिका बोर्ड शामिल किया गया है, नगर पालिका बोर्ड, दूसरा क्या गया नगर निगम, नगर परिषद लिख देता हूं, दूसरा नगर परिषद, नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए आपसे नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका में क्या क्या है, केवल नगर पालिका, केवल नगर परिषद, केवल नगर निगम या तीनों, तीनों याद रहेगा। तो नगर पालिका में क्या आएगा, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये तीनों इसमें शामिल की गई हैं। इसके बाद में जो परिभाषा है वो पीठासीन की परिभाषा है, पीठासीन, पीठासीन किसे कहते हैं, तो अगली परिभाषा लिखो पीठासीन की, पीठासीन, पीठासीन का मतलब होता है प्रिसाइडिंग, पीठासीन इसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग, हु इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग कौन होगा, तो इसका मतलब देखो शॉर्ट में मैं बताऊं, जो व्यक्ति किसी मीटिंग की, किसी बोर्ड की अध्यक्षता करता है उसे पीठासीन बोला जाता है। अब पीठासीन में कौन कौन शामिल है, तो इन्होंने कहा कि तीन लोग शामिल हो सकते हैं, या तो अध्यक्ष शामिल हो जाएगा कि किसी बोर्ड में अध्यक्ष आया है मीटिंग में तो अध्यक्ष को क्या बोल देंगे साहब ये पीठासीन है, या किसी में अध्यक्ष नहीं आया तो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की मान लो पद खाली है तो उपाध्यक्ष पे क्या कहलाएगा पीठासीन, दोनों नहीं आए तो कोई भी सदस्य, कोई भी सदस्य क्या कहलाएगा पीठासीन कहलाएगा। कुल मिला के क्वेश्चन आए नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार पीठासीन में क्या क्या शामिल है, पीठासीन में साहब तीन चीजें शामिल है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य। मिलान करवाने वाला क्वेश्चन आ सकता है पीठासीन का मतलब, तो आप तीनों ध्यान रखेंगे। नगर पालिका की परिभाषा में क्या आएगा, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। एक्ट किसे बोलेंगे, अधिनियम नगर पालिका एक्ट 2009। बैठक में क्या, बैठक, बैठक की परिभाषा क्या होगी, तो कहेगा धारा 55 में लिखी हुई, धारा 60 में लिखी हुई, धारा 51 में, तो धारा 51। प्रस्ताव में क्या क्या शामिल है, तीन चीजें, नगर पालिका में तीन चीजें, पीठासीन में तीन चीजें, तो प्रस्ताव में तीन चीजें, नगर पालिका में तीन चीजें और पीठासीन में तीन चीजें, ये धारा होगी धारा नंबर 2। तो अभी तक कितनी धारा पड़ी, 2, 1 और 2। 1 में क्या लिखा हुआ है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, संक्षिप्त नाम क्या है, नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। प्रारंभ कब है, 11/11/2009। अगली बात, दूसरी बात आप पूछेगा कि परिभाषाएं किस धारा में, धारा नंबर 2 में, तो कितनी परिभाषाएं लिखी गई है, तो आप कहना था 3-4 प्रकार की परिभाषाएं हैं इसमें। आपको एक्ट की परिभाषा पूछे तो 2009 का एक्ट है वही परिभाषा है, बैठक की पूछे धारा 51 की परिभाषा है, नगर पालिका किसे कहते हैं, तो नगर पालिका जो आप समझते हैं वो नहीं है, वो तो नगर पालिका बोर्ड होता है, पर नगर पालिका तीनों के लिए यूज किया गया है, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। फिर पूछे हु इज प्रिसाइडिंग, प्रिसाइडिंग का मतलब चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन और एनी मेंबर, इफ चेयरपर्सन इज अब्सेंट देन डेप्यूटी चेयरमैन कॉल्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इफ बोथ आर अब्सेंट देन एनी मेंबर कॉल्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नगर पालिका, NAGR, नगर पालिका, नगर पालिका कितनी चीजों को इंक्लूड करती है, तीन चीजों को इंक्लूड करती है, फर्स्ट नगर पालिका बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज बोर्ड, नगर परिषद एंड देन नगर निगम। फिर जो परिभाषा है, ये जो है रूल नंबर 2, ये आपको डेफिनेशंस के बारे में बताता है, ये डेफिनेशंस दी गई है एक्ट की क्या डेफिनेशन होगी, इसके बाद में बैठक की क्या डेफिनेशन होगी, मतलब मीटिंग की क्या डेफिनेशन होगी, उसके बाद में प्रपोजल की क्या डेफिनेशन होगी, तो एनी प्रपोजल आ सकता है, एनी रेजोल्यूशन आ सकता है, एनी अमेंडमेंट आ सकता है। इसका संक्षिप्त नाम क्या, शॉर्ट टाइटल क्या है, एंड इसका कमिशमेंट कब से है, तो शॉर्ट टाइटल क्या हो गया नगर पालिका एक्ट 2009, एंड कमिशमेंट क्या हो गया, कमिशमेंट का मतलब ये होता है प्रारंभ कब से हुआ, 11/11/2009। ये बात होगी धारा 2 की। अब बात करते हैं धारा 3 की, धारा 3 में वही बात लिखी गई है जो धारा 51 में लिखी गई है, पर इसको समझ लेते हैं। तो लिखिए धारा 3, धारा 3, धारा 3 इसमें लिखा हुआ नगर पालिका की बैठक, नगर पालिका बैठक, तो नगर पालिका की सिटिंग्स के बारे में कहां पे लिखा गया है, रूल नंबर 3 में। ये इंटरेस्टिंग है, मोस्ट लगा लो, परीक्षा में क्वेश्चन यहां से आ सकता है इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है कि नगर पालिका कब कब बैठक करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो नगर पालिका की जो बैठक है वो आपको दिमाग में रखना कि साहब 60 दिन में एक बार मिलेंगे, तो इसका मतलब मैं लिखता हूं यहां पे 60 दिवस में एक बार, ठीक है।
तो 12 महीने में कितनी होगी, 2 महीने में एक बार, 12 महीने में कितनी होगी, 6 बैठक। बात समझ में आ गई, 60 दिन में एक बार, तो 12 महीने में 6 बैठक। अब यहां से क्वेश्चन है, क्या पूछेगा परीक्षा में, यह बैठक अधिकतम होती है, नहीं न्यूनतम, मिनिमम बैठक है, न्यूनतम बैठक। इसका मतलब होता है कि नगर पालिका जो है इसकी न्यूनतम बैठक कितने दिन में, 60 दिन में एक बार। तो क्या 30 दिन में भी एक बार हो सकती है, हो सकती है। इसका मतलब न्यूनतम मिनिमम आपको 60 डेज में एक सीटिंग करनी पड़ेगी, वन ईयर में, एक कैलेंडर वर्ष में आपको 6 बार मिनिमम सीटिंग करनी पड़ेगी। परीक्षा में मिनिमम पढ़ना, गलती करोगे वहां पे अधिकतम लिखेगा, तो यहां पे गलती नहीं करनी है। ये तो हुई जनरल मीटिंग, साधारण बैठक। अब एक होती है स्पेशल मीटिंग, स्पेशल बैठक भी आयोजित की जा सकती है। अब जो स्पेशल बैठक का आयोजन किया जाता है वो कब किया जाएगा, अगर टोटल जो मेंबर है, तो यहां पे लिख लो, ये तो होगी सामान्य मीटिंग, जनरल बैठक, सामान्य मीटिंग, सामान्य बैठक। तो जनरल मीटिंग कब होगी, 60 डेज में एक बार, इधर एक साल में होगी 6 बार। पर ऐसा भी हो सकता है कुछ स्पेशल बैठक भी हो सकती है, तो यहां पे लिखो स्पेशल बैठक, स्पेशल बैठक, विशेष बैठक। जैसे कोई क्षेत्र में मान लेते कोई आगजनी की बड़ी घटना हो गई, अब स्पेशल बैठक बुलानी है, और ये तो नियम के साथ 2 महीने बाद में मिलेंगे हम, तो स्पेशल बैठक के लिए ये प्रावधान किया गया कि साहब जो टोटल मेंबर है, जैसे मान लो 100 मेंबर है, 100 तो नहीं अपन कर लेते, 20 मेंबर है टोटल नगर पालिका में, इनका 1/3 सदस्य अगर ये बोल दें, 1/3 ये बोल दें कि स्पेशल बैठक करो, तो जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है अध्यक्ष, वो ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, 7 दिवस में स्पेशल बैठक बुलाएगा। क्वेश्चन पूछेगा नगर पालिका रूल 2009 के अनुसार स्पेशल बैठक जो बुलाई जाएगी वो किसके द्वारा बुलाई जाएगी, तो साहब अध्यक्ष भी बुला सकता है, और आगे लिखवाऊंगा आगे, और सीएमओ भी बुला सकता है। पर स्पेशल बैठक अध्यक्ष कितने दिन में बुलाएगा, 7 दिवस में, कितने सदस्यों के प्रस्ताव पर, तो लिखो 1/3। क्वेश्चन यहां से आ सकता है परीक्षा में कि कितने सदस्यों के प्रस्ताव पर, तो 1/3 सदस्यों के प्रस्ताव पर अध्यक्ष है वो स्पेशल बैठक बुला सकता है, याद रहेगा। प्लस मान लेंगे अध्यक्ष तो शराब पी के सोया हुआ, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो 7 दिन तक तो वेट करेंगे, ये जैसे ही 7 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, वो 10 दिन में विशेष बैठक बुला देगा। इसका मतलब ये है कि अगर अध्यक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो 10 डेज में, देखो 10 दिवस में, सीएमओ लिख रहा हूं मैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर क्या कर देगा, विशेष बैठक बुला लेगा। कुल मिला के इस वाले में अपन को क्या पढ़ना है, इस वाले में अपन को पढ़ना है धारा 3 में क्या लिखा हुआ है नगर पालिका की बैठक, धारा 2 में क्या लिखा हुआ, परिभाषा 2। इस परिभाषा देने में आपको अगर नगर पालिका की परिभाषा पूछे, तीनों चीजें शामिल हो जाएंगी, संकल्प की परिभाषा पूछे प्रस्ताव की, तो 3 चीजें शामिल हो जाएंगी। इसके बाद में बैठक की परिभाषा जो धारा 51 में लिखी गई वही है, पर बैठक की डिटेल यहां पे धारा 3 में लिखी गई है। तो सबसे पहले लोग बैठेंगे आके, तो यहां पे लिखना है नगर पालिका की बैठक 60 दिवस में एक बार मिलेंगे, साल में 6 बार मिल जाएंगे, ये सामान्य बात है, पर न्यूनतम बैठक होंगी ये। अब कोई विशेष बात हो गई तो साहब विशेष बैठक बुलाई जाएगी, विशेष बैठक कौन बुलाएगा, तो अध्यक्ष खुद से नहीं बुला सकता, 1/3 मेंबर एटलीस्ट इसको बोलना पड़ेगा कि आप विशेष बैठक बुलाओ, विशेष बैठक बुला ली जाएगी। प्लस ये अगर काम नहीं करता है तो सीएमओ 10 दिन में बुला लेगा। क्वेश्चन यहां से क्या आएगा, ये इस वाले को स्टार कर लो, अध्यक्ष कितने दिन में, 7 दिवस में, 1/3 सदस्य कहेंगे, या फिर सीएमओ 10 दिन में बुला लेगा, ये धारा संख्या हो गई 3। अब है कि साहब धारा संख्या 4, अब बैठक होगी तो 4 में क्या होगा, सारे तैयार रहो, आपको सूचना मिलने वाली है, तो 4 का मतलब प्यार, तो धारा 4 लिखो, धारा 4। इसमें क्या लिखा हुआ है धारा 4 में, धारा 4 में ये लिखा हुआ है कि बैठक की सूचना, अब सदस्यों को थोड़ी पता लगेगा कि साहब बैठक कब हो रही है, तो सूचना देनी पड़ेगी। 4 का मतलब क्या था, 4 का मतलब तैयार, तो तैयार रहो, क्यों, सूचना आने वाली है, किसकी, बैठक की, तो कब आएगी साहब, जो बैठक की सूचना आएगी वो जिस दिन बैठक होगी उसे 6 दिन पहले देंगे, 6 दिवस पहले। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने दिन पहले बैठक की सूचना दी जाएगी, 6 दिवस पहले। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा है कि साहब कोई तत्काल कोई बैठक बुलानी हो,
तो कम से कम भी 48 घंटे पहले भी सूचना आपको देनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि बैठक तो बुला ली है, तो साधारण बैठक ही, पर साधारण बैठक में तत्काल बैठक बुलाई गई तो कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले। क्यों? हो सकता है कोई सदस्य बाहर हो, कुछ भी हो, तो 48 घंटे पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया बैठक। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तो साधारण बैठक की सूचना हो गई, 6 बैठक होंगी और 6 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, पर कोई विशेष बैठक अगर बुलाई जाएगी तो वो तो विशेष बैठक है, इसके लिए भी 48 घंटे का समय है। तो लिखो विशेष बैठक 48 घंटे पहले। इसका मतलब कम से कम 48 घंटे का टाइम है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 22 में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष ले जाना पड़ेगा। यहां 48 घंटे का मैं याद रखना जस्ट दुगुना है। चार तैयार रहो, क्यों? क्योंकि बैठक की क्या आने वाली है? सूचना आने वाली है। ये तो हो गया समय। अब साहब जब भी बैठक के लिए कागज भेजेंगे कि आपको आना है, तब उस पर दो व्यक्ति साइन करेंगे। लिखो हस्ताक्षर किसके होंगे, तो यहां पे लिखता हूं हस्ताक्षर कौन करेगा, आगे लिख देते हस्ताक्षर। इस सूचना पर हस्ताक्षर कौन करेगा? एक तो करेगा अध्यक्ष और दूसरा करेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। क्वेश्चन आए कि जब बैठक की सूचना दी जाएगी, हस्ताक्षर कौन करेगा? अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। कहां पे दी जाएगी सूचना? तो या तो सदस्य उसके निवास स्थान पर दे देंगे, उसके घर पे भेज देंगे, या हो सकता है कि कोई दूसरी जगह कोई काम करता हो, कोई नौकरी करता हो, कुछ भी करता हो, तो जहां पे कारोबार करता है, कारोबार, वहां पे सूचना दे दी जाएगी। अगली बात यह है कि साहब ये डाक से भेजी जाएगी सूचना, डाक द्वारा या आजकल तो मोबाइल है तो अन्य माध्यम से। यह परीक्षा में आने की संभावना नहीं है, कोई ज्यादा खास बात नहीं, इतना याद रखना। बैठक की सूचना साहब 48 घंटे पहले या फिर 6 दिन पहले, विशेष बैठक बुलाई जाएगी तो 48 घंटे पहले। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, बैठक की कार्य सूची, तो लिखो धारा 5। टोटल 22 धारा पढ़नी है, धारा 5 में अपने पढ़ना है बैठक की कार्य सूची। एक ही क्वेश्चन बनेगा, जब बैठक के लिए आ जाएंगे तो बैठक की कार्य सूची तैयार कौन करेगा? अध्यक्ष पढ़ा लिखा थोड़ी है, तो नगर पालिका में जब आप जिस पद के लिए जा रहे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आप ही हो, तो सीएमओ करेगा, तो लिख लो सीएमओ। यह प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि बैठक की कार्य सूची कौन तैयार करेगा, तब सीएमओ के द्वारा तैयार की जाएगी। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट शामिल है वो तो है ही, साथ में अगर अध्यक्ष अनुमति देता तो किसी अन्य विषय को भी शामिल किया जा सकता है। परीक्षा के लिए कोई खास बात नहीं है, पर इतना याद रखना बैठक की कार्य सूची सीएमओ तैयार करेगा, और अध्यक्ष अगर कोई कहे साहब एक विषय ये भी शामिल करो कि हमारे क्षेत्र में आवारा पशु घूमते हैं, तो अध्यक्ष के कहने पर अन्य विषय भी शामिल, कोई खास बात नहीं है। बैठक की सूचना सीएमओ तैयार करेगा, कार्य सूची। इसके बाद में 6 में प्रश्न। अब बैठक हो गई, कार्य सूची तैयार हो गई, तो धारा 6 पढ़ेंगे, 6 में प्रश्न। इसका मतलब सदस्य क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं, हाँ पूछ सकते हैं, ये तो कोई खास बात नहीं है, पर इसका उत्तर भी तो देना पड़ेगा, तो कितने दिन में देना पड़ेगा, परीक्षा के लिए काम का है। तो याद रखना कि जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं सदस्यों के द्वारा। 52 में मैंने ये बात बताई भी थी और वापस भी डिस्कस करेंगे। तो जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनका उत्तर कितने दिन में दिया जाएगा? बैठक में तो प्रश्न उत्तर ही होते हैं, तो 15 दिन में लिखित। मान लेते किसी सदस्य ने अध्यक्ष से प्रश्न पूछा, सर हमें बताओ कि आपने हमारे वार्ड के लिए क्या किया, तो कहेगा सर अभी तो मेरे याद नहीं, मैं 15 दिन में आपको लिखित में बता दूंगा क्या क्या किया, वो तो भूल गया। तो जब अगली बैठक होगी उसमें मौखिक उत्तर देना पड़ेगा। तो लिखो अगर विफल हो जाए तो अगली बैठक में मौखिक उत्तर देगा। ये बात यहां पे लिखी गई है, बस। धारा 6 में 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न 6, राजस्थानी भाषा बोलते हैं कि कोई चीज 6, हमारे यहाँ 6, तो प्रश्न 6 हमारा, क्या 6? ये 6 के हमारे वार्ड के लिए क्या किया, तो कहेंगे साहब उत्तर 15 दिन में दे दूंगा, आधा महीने का टाइम है, और 5 रैंक मिलकर कितने होते हैं? 6 में प्रश्न है, और अगर नहीं दे पाए तो अगली बैठक में। अब बैठक में गणपूर्ति कितनी होगी, तो याद रखना गणपूर्ति है वो 1/3 होगी, तो अगली धारा लिखो धारा 7।
सारे सदस्य साथ में आए हैं कि नहीं आए पता करो गणपूर्ति से। तो धारा सात, साथ में लिखो गणपूर्ति, साथ में सदस्य आए या नहीं आए मतलब गणपूर्ति कितनी होगी, एक बट्टा तीन। बस इतना याद रखना कि बैठक के लिए गणपूर्ति की बात साथ में लिखी गई है, कितनी गणपूर्ति, एक बट्टा तीन। अब आए ही नहीं तो सदस्य, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं कि गणपूर्ति नहीं हुई पूरी तो बैठक को फिर स्थगित किया जाएगा, वो बात आठ में लिखी गई है। तो आठ में है धारा आठ, लिखो गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन। इसका मतलब गणपूर्ति अगर पूरी नहीं होती है तो बैठक को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित कौन करेगा, तो भाई जो पीठासीन अधिकारी है वो करेगा। तो लिखो पीठासीन अधिकारी द्वारा, पीठासीन द्वारा, ठीक है साहब। तो पीठासीन बैठक को क्या कर देगा, स्थगित कर देगा। अब कब पता चलेगा गणपूर्ति है कि नहीं है पूरी, तो एक चीज और याद रख लो, लिख लो ऐसा नोट लगा के कि जब बैठक शुरू हो गई कि 11 बजे शुरू होनी है और सदस्य आए नहीं तो एक घंटे तक वेट करेंगे, साहब और आ जाते हैं सदस्य रस्ते में होंगे, एक घंटे तक वेट कर लेंगे। एक घंटे में भी नहीं आए तो जितने सदस्य आए हैं वो अगर आधे सदस्य ये बोल देंगे एक घंटे और वेट कर लो तो एक घंटे और वेट कर लेंगे, तो टोटल दो घंटे वेट किया जा सकता है। कुल मिला के बात यह है 9 बजे बैठक शुरू होनी थी, 9 बजे केवल 10 सदस्यों में से 2 ही आए, तो 3 तो चाहिए ना 1/3 से। अब वो 1 घंटे तक वेट करेंगे कि सारे सदस्य आ जाएं। तो अब मान लो सदस्य नहीं आए तो फिर जितने आए हैं वो आधे लोग अगर सहमत हो जाएंगे 1 घंटे और वेट कर लेते हैं तो फिर गणपूर्ति देख ली जाएगी। साथ साथ में अगर गणपूर्ति पूरी नहीं हुई तो याद रखना अध्यक्ष और बैठक को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, निरस्त कर देगा पीठासीन अधिकारी। पर निरस्त करते टाइम ये भी तो कहेगा कि अब अगली जगह कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे, तो समय भी बता देगा, ठीक। अब लिखो धारा 9, इसमें लिखना विनिश्चय। इसका मतलब डिटर्मिनेशन कैसे होगा, विनिश्चय का मतलब इतना है कि कोई भी प्रस्ताव जो होता है, प्रस्ताव लाए तो उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, तो देखो बहुमत के आधार पर। कोई भी प्रस्ताव आया उसको बहुमत के आधार पर निश्चित किया जाएगा कि मान लेते हैं कि ये कहा कि साहब हमारे वार्ड के लिए 5 लाख रुपए देने, आधे सदस्य 100 सदस्य आए, 100 में से 51 लोगों ने कह दिया कि ठीक है दे दो, तो दे दिया जाएगा। पर 50-50 हो गए तो फिर जो अध्यक्ष है, जो चेयरपर्सन है अध्यक्ष, वो वहां पे बराबर मत आने पर वोट डालेगा अपना निर्णायक। तो लिखो सामान्यतया अध्यक्ष द्वारा मत नहीं दिया जाएगा, वोट नहीं करेगा, परंतु बराबर के वोट जब आ जाएंगे बराबर के मत आने पर निर्णायक मत देगा। तो क्वेश्चन आए कि निर्णायक मत देने का अध्यक्ष के पास अधिकार है क्या, आप कहना है किसमें लिखा हुआ 9, डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, मेजोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अगर मेजोरिटी मेंबर हैं किसी रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट करते हैं तो वो प्रपोजल पास हो जाएगा, और अगर इक्वल आ गए तो फिर जो कास्टिंग वोट होता है वो चेयरपर्सन कास्टिंग वोट करेगा। अब इसका मतलब कि कैसे वोट डालेंगे, वोट डालने का तरीका क्या है, वो बात 10 में लिखी गई है। तो लिखो धारा 10, देखिए मैं एक बार और बता देता हूं, अगर आपके दिक्कत आ रही है तो वापस से स्लो करके पीछे करके वापस से देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि क्रेज कोर्स है तो इसमें अब वैसे आपके बहुत ज्यादा बर्डन है तो इसको अपन लंबा नहीं खींचेंगे। लास्ट ये क्लास मेरे हिसाब से आधे पौन घंटे की लास्ट होगी, प्रत्येक क्लास 20-30 क्लासों में अपन फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो लिखो धारा 10, मत देने का, मत की रीति, मत देने का ढंग, कैसे मत दिया जाएगा, वहां पे कोई वोट नहीं पड़ेंगे और बस हाथ खड़ा कर लेंगे, तो याद रखो हाथ खड़ा करके मत दिया जाएगा, और जितने लोग पक्ष में मत करते हैं वो भी हाथ खड़े कर देंगे,
अध्यक्ष गिन लेगा जो पीठासीन है वो, विपक्ष में वो भी हाथ खड़ा कर देंगे, वो गिन लेगा और इन सबको लिख लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, तो हैंड राइज करके वोट किया जाएगा और उन सबको जो चेयरपर्सन है वो रिकॉर्ड कर लेगा कि साहब कितने लोग पक्ष में है, इतने लोग विपक्ष में। ठीक, अब बैठक हो गई पूरी, ठीक है। अब ऐसा मानते कि बैठक हो गई, तो बैठक का जो कार्यवर्त है, जो मिनट्स है, क्या क्या हुआ बैठक में, वो धारा 11 में लिखा जाएगा। दो पेन तोड़ दिए जाएंगे, 11-11-2, तो लिखो बैठक का कार्यवर्त, धारा 11 यहां पे लिखता हूं, इंपोर्टेंट धारा परीक्षा के लिए। मिनट्स ऑफ सिटिंग, बैठक का कार्यवर्त, कार्यवर्त को मिनट्स बोलते हैं, MINUTS, मिनट्स मतलब सार क्या होगा बैठक का, तो कौन सी भाषा में लिखा जाएगा आपके हिसाब से, इंग्लिश तो लिख नहीं सकते, तो यहां पे लिखा कि देवनागरी लिपि और हिंदी में लिखा जाएगा, तो भाषा कौन सी होगी लिखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट धारा है, भाषा व लिपि, पहले लिपि लिख लो, देवनागरी भाषा, हिंदी। अब ये कार्यवर्त तैयार कौन करेगा, कौन तैयार करेगा, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO तैयार करेगा, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, साक्षर कौन करेगा इस पर, एक तो खुद CMO कर देगा और एक नगरपालिका को चेयरपर्सन है अध्यक्ष करेगा, ये दोनों इस पर साइन करेंगे। कितने दिन में रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, दिन कितने होंगे, 3 दिन में, मतलब जब बैठक पूरी होगी तो उसके 3 डेज के अंदर अंदर जो रिकॉर्ड है वो तैयार कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, कार्यवर्त, इसको लिख लो एक बार, कार्यवर्त किसके द्वारा लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि में, भाषा क्या होगी, भाषा हिंदी होगी, कौन CMO करेगा, हस्ताक्षर किसके द्वारा किए जाएंगे, दोनों के द्वारा किए जाएंगे, लिख लो इसको, पर एक बात और है, अब ये रिकॉर्ड तैयार कर लिया, ये मैं मिटाऊंगा अभी, ये जो रिकॉर्ड तैयार कर लिया, अब ये कहां पे रखा जाएगा, इसकी प्रति किस किस को भेजा जाएगी, इसका जेरोक्स करा के किसको भेजा जाएगा, तो दो बातें यहां पे आपको और ध्यान रखनी है, देखो इसकी प्रतिलिपि, प्रतिलिपि किसको भेजेंगे, क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, अभी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे 10 मिनट के लिए, तो प्रतिलिपि, थोड़ी धारा और बची है, आधी आ गई, अब आगे वाली बहुत छोटी है, प्रतिलिपि किसको भेजी जाएंगी, तो याद रखना, एक तो भेजी जाएगी निदेशक, डायरेक्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, निदेशक स्थानीय निकाय, एक लिखो उपनिदेशक स्थानीय निकाय, ये निकाय है, उपनिदेशक स्थानीय निकाय, एक भेजी जाएगी जिला कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को, एक भेजी जाएगी आयुक्त को, कमिश्नर को, कौन से आयुक्त को, नगर निगम आयुक्त को, नगर निगम, बस। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि प्रतिलिपि किसको भेजी जाएगी, इसको 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 इसको, अंतिम बात, मान लेते कि बैठक में कोई ऐसा निर्णय आ गया जो राज्य सरकार के नियमों के खिलाफ है, मान लेते कि राजस्थान सरकार, एग्जांपल दे रहा हूं, राजस्थान सरकार ऐसा चाहती है कि हर घर में सोलर प्लेट लग जाए, सौर ऊर्जा, पर बैठक में यह निर्णय ले लिया सबने कि नहीं हम यहां सोलर प्लेट नहीं लगाएंगे, उस पर कार्यवर्त कौन करेगा, लिखेगा, लिखने का काम तो CMO को है, उसको वो लिखना पड़ेगा, पर साथ में वो लिख के राज्य सरकार को प्रतिलिपि भेजेगा, अगर उसने ऐसा कोई राज्य सरकार के नियमों के खिलाफ कोई काम लिखा है तो क्या लिखेंगे, अगर कोई राज्य सरकार के नियमों के प्रतिकूल कोई रूल बना दिया, प्रतिकूल क्या बना दिया, कोई रूल बना दिया, तो इसकी प्रति किसको भेजी जाएगी, राज्य सरकार को, राज्य सरकार, परीक्षा में आ सकता है कि अगर CMO द्वारा कोई ऐसा टिप्पणी की जाती है जो राज्य सरकार के नियमों के प्रतिकूल हो, तो उसकी प्रति किसको भेजी जाएगी, प्रति भेजी जाएगी साहब राज्य सरकार को, ठीक है। अब बात करते धारा 12 की, धारा 12 यहां पे भाषणों पर प्रतिबंध, अब इसमें परीक्षा के लिए मुझे कुछ खास बात लगती नहीं है, बस इतना याद रखना कि जब भी सदस्य बोलेगा, लिखने की जरूरत नहीं, जब भी सदस्य भाषण देगा, जब भी कुछ बोलेगा,
तो वो नहीं बोलेगा जो कोई न्यायालय में कोई लंबित मामला है, लिखाना चाहो लिख लो, न्यायालय में लंबित मामले के खिलाफ नहीं बोलेगा। कोई अपनी व्यक्तिगत मनसा, दो सदस्य आपस में उनकी बनती नहीं तो आपस में लड़ने लग जाए, ऐसा नहीं करेंगे। संसद, राज्य विधानमंडल या नगर पालिका पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी, कोई मान हानि की बात नहीं की जाएगी या कोई कार्य में बाधा नहीं डाली जाएगी। फिर भी कोई सदस्य नहीं मानता है तो फिर जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन, वो सदस्य को प्रतिबंधित कर सकता है। ये तो बहुत साधारण बात है, जब आप चुप हो ही नहीं रहे हो तो आपको हम प्रतिबंधित करते हैं। अब बात करते धारा 13 की। 13 में लिखा हो भाषणों की अवधि, कितनी देर कोई सदस्य बोलेगा, तेरी अवधि कितनी है। धारा 13 में लिखो भाषणों की अवधि, कोई सदस्य कितनी देर भाषण देगा, तो कितनी देर देगा ये पीठासीन तय करेगा, पीठासीन। और एक सदस्य एक ही बार बोलेगा, एक ही बार, पर उसे कोई उत्तर पूछ, वो बोल के चुप हो गया बैठ गया, फिर कोई क्वेश्चन उसे पूछा जाए तो उसका उत्तर वो दे सकता है, तो उत्तर देने के समय दोबारा बोल सकता है, पर किसी प्रस्ताव पर वो एक ही बार बोलेगा। तो क्वेश्चन आए कि कोई सदस्य कितनी बार, एक बार बोलेगा, ये बात हो गई 13। 14 की मुझे कुछ खास लगती नहीं है धारा, इसमें ये लिखा हुआ है, लिख लो पर फिर भी पहले समझ लो उसको। धारा 14 लिखने की, इसको एक लाइन में ऐसे लिख लो कि अगर, लिखो मैं बोल के लिखवाता हूं एक मिनट, अगर बैठक में कोई विषय ऐसा है जिसमें कोई सदस्य अपना हित रखता है, धनीय हित रखता है, जैसे धनीय हित मतलब कोई उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और उस पर डिस्कस हो रहा है किसी बात पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर या कोई भी चीज को लेकर, नगर पालिका को कुछ खरीद करनी है और किसी सदस्य की भाई की कोई फैक्ट्री है ट्रैक्टर की, वो ट्रैक्टर खरीदने हैं, तो उस सदस्य को कहेंगे आप चुप रहो भाई, आप नहीं बोल सकते, हमारे ट्रैक्टर अच्छे हैं और अच्छे हैं। ये चुप कराने का काम किसका होगा, ये पीठासीन का होगा, और पीठासीन उस सदस्य को मना भी कर सकता है कि आप इस मीटिंग में भाग मत लो। इसके बाद धारा 15, धारा 15 दिन के कार्यक्रम, इसका मतलब होता है कि बस दिन के जो कार्यक्रम है कि आज जो बैठक हुई है उसमें दिन के कार्यक्रम होता है किए जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन है किस धारा में दिन के कार्यक्रम लिखे हैं, धारा 15 में, क्या याद करने की जरूरत है क्या, नहीं। इसके बाद धारा 16 बैठक में किए जाने वाले कार्य, तो धारा 16 बैठक में किए जाने वाले कार्य, बैठक में क्या क्या कार्य किए जाएंगे। अब बैठक में जो कार्य है साहब, वो तो कार्य सूची आपको पता है कि कार्य सूची तैयार हो गई, उसी में एक साहब जो धारा 5 याद करो, 5 में कार्य सूची थी, कौन तैयार करेगा, सीएमओ तैयार करेगा। तो साहब जो लिखो कि बैठक में कौन से क्या कार्य किए जाएंगे, जो कार्य सूची में लिखे हुए हैं, कार्य सूची में लिखे हुए कार्य, ये परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में यहां से एक आगे काम की बात है जो परीक्षा में आ सकती है कि अगर वहां जो टोटल सदस्य है उसका 3/4, ये याद रखना, 3/4 सदस्य अगर नया कोई प्रपोजल जुड़वाना चाहते हैं तो वो नया प्रपोजल उसी समय जोड़ा जा सकता है। कोविड आ गया, मान लो अचानक कोई कोविड की सूचना आई, तो फिर सारे सदस्य कहेंगे कि सर जब बैठक के लिए जो कार्य सूची तैयार की गई थी उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, अब शामिल करो, इस पर डिस्कस करना है। तो लिखना 3/4 सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो 3/4 यहां पे आया, एक मैंने आपको बताया कि धारा 7 में गणपूर्ति थी और धारा 8 में बताया था कि गणपूर्ति के अभाव में बैठक का क्या किया जा सकता है, निलंबन। वहां पे कहा था कि आधे सदस्य अगर चाहें तो 1 घंटा और बढ़ाया जा सकता है। एक बात आई साहब, 1/3 सदस्य अगर अध्यक्ष को कहें तो अध्यक्ष क्या कर सकता है साहब, विशेष बैठक बुला सकता है। अभी तक इतनी बात आई है बट्टा वाली। तो इसमें क्या याद रखेंगे, बैठक में किए जाने वाले कार्य, तो ये कार्य सूची में जो शामिल है उन्हीं पर डिस्कस किया जाएगा, पर 3/4 सदस्य कहें तो नए सब्जेक्ट को भी इसमें शामिल करवाया जा सकता है। इसके बाद में 17 पे क्या होता है, खतरा होता है, तो अब खतरे पे आ जाओ, धारा 17, और लगभग देखो स्लाइड भी 17 के आसपास ही चल रही है, 16 पर है वैसे, धारा 17 यहां पे बैठक का निलंबन, बैठक का निलंबन। अब देखो आपको पता कि धारा 8 में क्यों निलंबित की थी, क्योंकि गणपूर्ति नहीं हुई थी। अब
धारा 17 में क्या कहा गया कि साहब बैठक मान लो सदस्य हो हल्ला करने लग जाएं तो फिर बैठक का निलंबन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, नगर पालिका करेगी, पीठासीन करेगा, सीएमओ करेगा, तो कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। तो क्वेश्चन आएगी 17 में खतरा, बैठक का निलंबन कौन करेगा? पीठासीन। अब लिखो धारा 18, धारा 17 तक आप समझना, धारा 18 में लिखा कि व्यवस्था बनाए रखना कि जब मीटिंग चल रही होती है उस टाइम व्यवस्था कौन बनाए रखेगा, साधारण सा क्वेश्चन है, पीठासीन, तो बैठक में व्यवस्था बनाए रखना। इनको मैं याद भी कराता हूं आपको भी, बैठक में व्यवस्था बनाए रखना कौन बनाए रखेगा? पीठासीन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कि डिसिप्लिन कौन मेंटेन करेगा? पीठासीन, पीठासीन अधिकारी। इसके बाद में धारा 19 की बात करते हैं, धारा 19 की, धारा 19 में लिखा कि बैठकों में कोई विशेषज्ञ है कि लगता है कि आज कंप्यूटर एप्लीकेशन पे डिस्कस करना है तो किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन के विशेषज्ञ को बुला लो, तो बैठक में विशेषज्ञों का बुलाया जाना, धारा 19, बैठक में विशेषज्ञों का बुलाया जाना। कहां कहां पे बुलाए जा सकते हैं? या तो कोई राज्य सरकार के हो सकते हैं या कोई स्थानीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी भी बुलाए जा सकते हैं या कोई अन्य विशेषज्ञ बुलाए जा सकते हैं, अन्य भी। तब लगता है किसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए तो बुला लेंगे, ठीक है। अब तीन धारा और बच्ची है, वो छोटी छोटी, इसमें इतना रखना कि बैठक में विशेषज्ञ को बुला लेंगे, अब मैं याद करा दूंगी, टाइटल चिंता नहीं करें आप। इसके बाद धारा 20, मान लो मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि प्रत्येक नगर पालिका में पालनहार योजना की चर्चा होगी तो करनी पड़ेगी, तो यहां पे लिखा कि राज्य सरकार के निर्देश पर बैठक आहूत या किसी कार्य सूची में शामिल करना। तो देखो राज्य सरकार कोई ज्यादा खास बात नहीं है, राज्य सरकार बैठक आहूत करने के लिए कॉल फॉर मीटिंग स्टेट गवर्नमेंट आदेश दे सकती है तथा कार्य सूची के बारे में भी बोल सकती है कि साहब कोई हमारी जो योजना इसके बारे में आप डिस्कस कराओ, तो राज्य सरकार कह सकती है कोई खास बात नहीं है। धारा 21, अब जो आपको पता है कि धारा 49 में अपने नगरपालिका में पढ़ा था, अपने YouTube पे क्लास देखी होती, अभिलेखों की अभिरक्षा करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्य है, यहाँ पे की कार्यवाही जो जितनी हुई है उसको रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि साहब क्या क्या कार्यवाही हुई, क्या काम हुआ, तो ऐसा लिख सकते हैं कार्यवाही जितनी भी हुई है, कार्यवाही में क्या करना, अभिलेख, कार्यवाही का अभिलेख तैयार करना कौन करेगा? वही सीएमओ करेगा। अंतिम धारा, तो जो भी पढ़ाई लिखाई काम वो सीएमओ ही करेगा। अब अंतिम धारा 22, देखिए धारा 22 में ये लिखा हुआ है कि जब नगरपालिका के जो रूल बनाए गए हैं, ये नगरपालिका के रूल, इसमें पहले इसका टाइटल लिखो निरसन व्यावर्तियां, निरसन मतलब रिपील, रिपील निरसन व्यावर्तियां, व्यावर्तियां रिपील करना, निरसन व्यावर्तियां। इसका मतलब ये है कि जब ये नगरपालिका के रूल, कुछ याद करो, ये जो अपने रूल डिस्कस किए हैं ये रूल 2009 में बने, तो इससे पहले कोई रूल थे क्या? हाँ, कौन से? लिखो 1974 के रूल थे, तो 1974 के जो रूल है, रूल्स 1974, क्वेश्चन आए कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के जो रूल बनाए गए हैं, कौन से रूल्स को खत्म करते हुए, 1974 के रूल को खत्म करते हुए रूल बनाए गए हैं। क्लियर हो गया, ये बात है अपने 1974 के रूल को खत्म करते हुए बनाए गए। अब याद करते हैं, याद में देखो कुछ पूरा रिपीट करते हैं 5 मिनट में ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखो क्लास में सोचा कि 25 मिनट 30 मिनट करवाऊंगा, फिर 43 मिनट हो गई, 20 25 30 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे। अब आपसे मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा सा दिमाग को हाई कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ये कम से कम 150 घंटे का सिलेबस है और इतना समय ना तो आपके पास है, ना पढ़ पाएंगे, ना जरूरत है उसकी, ना याद रहेगा। धारा अपन ने पढ़ा कार्य संचालन नियम 2009, याद करो, पूरा रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, रिलैक्स हो जाओ पहले 2 मिनट, अच्छे से रिलैक्स हो जाओ आप लोग, स्पीड जो बढ़ा रहे उसको कम कर लो।
हाँ कर लो भाई, मैंने बोल रहा था उसका कोई रीजन है, करो आराम से स्पीड कम कर लो। कर ली, नॉर्मल पे आ गए। चलिए अब नॉर्मल पे आ गए तो आराम से इत्मीनान से सुनो कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो नगर पालिका के रूल पढ़ रहे हैं। ये रूल कब बनाए? 2009 में बनाए। किसने? राज्य सरकार ने बनाए हैं। कौन सी धाराओं का सहारा लेते? 51, 52, 337। 51, 52, 337। ठीक, इसमें टोटल धाराएं कितनी पड़ेंगे? सब 22 पड़ेंगे। बाई तो वैसे भी काम वाली बाई आती है, वो काम ही करती है घर पे आके, कार्य संचालन करती है आपके घर के, तो कार्य संचालन कार्य बाई करती है आके। ठीक है, अब सबसे पहले बाई का संक्षिप्त नाम क्या है और बाई कब आएगी? तो संक्षिप्त नाम तो बाई का कार्य संचालन नियम ही है। शुरू कब हुआ? 11-11, 1-1-1-1। बाकी तो आपको पता ही है कौन से नियम है, 11-11-2009, ये तो आपको पता लग ही गया। एक कार्य 2009 में किए गए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है साहब, धारा नंबर 2-2 में क्या देनी है? बाई को आते कहेंगे तुम्हारा परिचय दो, तुम्हारी तुम्हारी परिभाषा बताओ, तो 2 में परिभाषा बतानी है। कौन सी परिभाषा है? बैठक क्या होती है? 51 में लिखा हुआ साहब वो बैठक होती है। पीठासीन अधिकारी कौन होगा साहब? जो बैठक का संचालन करेगा वो पीठासीन होगा। प्रस्ताव किसे बोलेंगे? या तो कोई प्रपोजल आ जाए, या कोई अमेंडमेंट आ जाए, या कोई रिजोल्यूशन आ जाए, उसको बोलेंगे। नगर पालिका किसे कहते हैं? तीनों में से कोई भी नगर पालिका हो सकती है। ठीक, अब बैठक करते हैं, तो तीन में बैठक, तीन लोग आए एक जगह बैठक हो गई। दो दोस्त मिलते हैं तो उसको बैठक नहीं बोलते, तीन मिलेंगे तो बैठक होगी, तो तीन आई सीटिंग हो गई। कब होगी? आप दोस्तों में आपस में कह दोगे देख भाई कहीं कितना भी बिजी रहे 2 महीने में एक बार मिलने आ जाना। ठीक है, 12 महीने में कम से कम 6 बार मिलने आ जाना। और जब आपको स्पेशली कहा जाए कि आना है, सारे सदस्य 1/3 सदस्य मिलके कह दे, तो फिर आपको विशेष बैठक में आना पड़ेगा। कितने दिन में? 7 दिन में। नहीं आता तो सीएमओ बुला लेगा 10 दिन में। अब बैठक की सूचना दी जाएगी, सूचना 4 में लिखी गई है। सूचना जब देंगे कितने दिन पहले देंगे? 6 दिन पहले देंगे, और विशेष जब कारण हो जाए तो 48 घंटे पहले दे देंगे। कोई विशेष बैठक बुलाई तो 48 घंटे पहले सूचना देनी पड़ेगी। सूचना कहाँ देंगे? या तो घर पे दे देंगे, या जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहां पे दे देंगे। सूचना आपको डाक के पते से भेज दी जाएगी। अब है बैठक की कार्य सूची, 5 में है कार्य सूची, 4 में तैयार रहो आप किसके लिए सूचना आने वाली है। 5 5 कार्य बनाओ, 5 की कार्य सूची बनाओ। कौन बनाएगा? सीएमओ बनाएगा। अगर अध्यक्ष कहे तो अन्य कोई सब्जेक्ट भी शामिल कर सकते हैं। 6, मेरा प्रश्न 1, 6 क्या? 6 ये प्रश्न 6 की अध्यक्ष ने हमारे वार्ड के लिए क्या कार्य किया बताओ? तो वो कहेगा यार रुको, 1 5 15 दिन में दे दूंगा आपका उत्तर, नहीं दिया तो अगली बैठक में बोल के बताऊंगा। इसका मतलब 15 दिन में आपको क्या देनी पड़ेगी साहब? सूचना देनी पड़ेगी, आंसर देना पड़ेगा, नहीं दिया तो अगली जब साधारण बैठक होगी तो उसमें मैं बोल के बता दूंगा। 7, 7 में आ गए सारे, कर दो गणपूर्ति, खाना पूर्ति होगी, 7 7 आ गए, तो गणपूर्ति कितनी चाहिए? 1/3 चाहिए। और कितनी बजे? जब मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग का टाइम था उसे 1 घंटे तक तो वेट कर लेंगे, फिर सदस्य गिन लेंगे, फिर लगा घर जाना चाहिए, 1 घंटे और वेट करना चाहिए, तो आधे सदस्य बोल देंगे और वेट कर लेते, और वेट कर लेंगे। अगर नहीं आए तो 8 में फिर अध्यक्ष क्या कर देगा? स्थगन कर देगा बैठक का, और कहेगा कि अगली बार इस जगह पे मिलेंगे। 9 में विनिश्चय कैसे होगा साहब? बहुमत के आधार पर होगा। 10 में 10 में कि मत या प्रस्ताव किस ढंग से रखेंगे, तो हाथ खड़ा करके रख देंगे और उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। 11 में बैठक का मिनट्स तैयार किया जाएगा, कार्यवर तैयार किया जाएगा। कौन सी भाषा में? हिंदी में। लिपि क्या होगी? देवनागरी। कौन करेगा? सीएमओ। हस्ताक्षर कौन करेगा? सीएमओ प्लस पीठासीन या अध्यक्ष करेगा। प्रति किसको भेजी जाएगी? सीएमओ को भेजी जाएगी, कलेक्टर को भेजी जाएगी। प्रति किसको भेजी जाएगी? प्रति भेजी जाएगी साहब कलेक्टर को भेजी जाएगी, डायरेक्टर स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी, डेप्यूटी डायरेक्टर लोकल सेल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी, कमिश्नर को भेजी जाएगी नगर निगम वाले को। और अगर कोई एडवर्स कोई कमेंट कर दिया है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को भेजा जाएगा। 12 में मारवाड़ी बोलती ज्यादा, 12 गोड़पत करो आप, मतलब 12 में बोलने पर प्रतिबंध, तो उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, 12 में लिखा हुआ है। 13 में है 13 समय, इतनी बार बोल सकते हो, तो 13 में भाषण की अवधि कितनी बार आप बोल सकते हैं। 14 में कि जब साहब पैसे का हित है तो आप बाहर जाओ, आप बैठक भाग नहीं ले सकते। 15 में कि दिन के कार्यक्रम क्या होंगे, तो 5 में कार्य सूची थी, 1 5 में कार्यक्रम है, 5 में कार्य सूची, 1 5 में कार्यक्रम। 16 में कि बैठकों में क्या कार्य किए जाएंगे। 17 में खतरा तो बैठक का निलंबन हो जाएगा।
18 साल का बच्चा हो जाता है, व्यवस्था नहीं बनाने देता है, तो 18 में व्यवस्था बनाए रखना। 19 में कि एक नो विशेषज्ञ को बुलाएंगे, एक को नहीं कईयों को बुलाएंगे, तो एक नो में विशेषज्ञ बुलाया जाना। 2020 बिस्किट आता है, बिस्किट खा रहे थे, इतने में राज्य सरकार का फोन आ गया कि हमारा कोई सब्जेक्ट है उसको आप डिस्कस करो। 21 में है कि साहब रिकॉर्ड करके रख लो, और 22 में रिपील कर दो, कौन से जो रूल लिखे गए थे 1974 में उनको रिपील कर दो। ये हो गया आपका कार्य संचालन नियम 2009। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।